हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती और मेरे चैनल डिलीशियस रेसिपी बाय आरती में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फटाफट दम आलू। उसको हम कितनी जल्दी बनाते हैं ये देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ के जी आलू लेके रखा है, जिसको मैंने बॉईल करके 75 to 80% उसको बॉईल किया है और छील के रखा है। और इसमें लगने वाला सामान, एक प्याज, मसाले में ग्रेवी के लिए एक प्याज, दो टमाटर, थोड़े से लहसुन की कलियां 5-7 कलियां, दो साबुत लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये है इसमें एक ये जावित्री, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 सफ़ेद इलायची। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रफली छील के, टमाटर और प्याज को रफली चॉप करके और सारे मसाले उसमें डाल के, ये सब उसमें डाल के 5 से 6 मिनट हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको पहले से बॉईल करके रखा है, सारे मसाले प्याज और सब डाल के मैंने इसको बॉईल करके रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आलू में हल्दी और नमक मिर्च डाल के इसको थोड़ा मैरिनेट करके शैलो फ्राई करेंगे। ये उबले हुए आलू में हम हल्दी 1/4 टीस्पून, थोड़ा मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार, सॉल्ट वो भी टेस्ट के अनुसार, पहले थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी थोड़ा डालेंगे। अब इसको मिक्स करके अच्छे से, इसको ऐसे थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेते हैं जिसपे कोटिंग अच्छे से हो जाए सारे आलू के ऊपर। अब हम इसको क्या करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी डीप फ्राई नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस आलू को शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें हम ये मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, बड़े 2 चम्मच के आसपास, उतने में ये हो जाएगा। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये जो मैरिनेट किए हुए आलू हैं, इसमें हम फोक से ऐसे 5-6 जगह सब आलू में छेद कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से जा पाएं। और उसके बाद फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये आलू हम शैलो फ्राई करेंगे। एक बार में जितने आलू आ जाएं पानी से, उतने ही आलू हम इसमें डालेंगे। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे सारे ही आलू एक बार में आ जाएंगे। हाँ, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो सारे मसाले तेल में ही आ जाएंगे। अगर हम आलू को डीप फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो हमें उसको मैरिनेट नहीं करना है, उसके ऊपर हल्दी, नमक और मिर्च की कोटिंग नहीं करनी है। प्लेन आलू, बॉयल आलू को हम डीप फ्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। लगातार हिलाते हुए 3 से 4 मिनट में ये एकदम अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे आलूओं को उसमें कढ़ाई में से निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और तेल डाल के इसको, अब हम इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने तक का हम 2 मिनट वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 तेज पत्ती, थोड़े से ये साबुत धनिया, थोड़ा सा बिल्कुल जैसे हम जीरा डालते हैं वैसे ही, और ये है ड्राई मसाले जिसमें है नमक टेस्ट के अनुसार, मिर्ची भी अपने स्वाद के अनुसार 1/4 टीस्पून, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमने थोड़ा कम डाला है क्योंकि हमने ग्रेवी में टमाटर भी डाला है और हम उसमें दही भी डालेंगे बाद में, तो इसलिए अगर ज़्यादा खट्टा ना पसंद हो तो उसमें। देखिए फ्रेंड्स,
अभी जब हमारा ये मसाला भी ठीक से पूरी तरीके से भुना नहीं है, अभी हम इसमें डालेंगे ये काजू का पेस्ट। इसको चलाएंगे और अब हम इसमें साथ में ही डाल देंगे 3 से बड़े 4 चम्मच, ये आधा कप दही है पूरी की पूरी। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि दही कई बार फट भी जाता है, तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम कंटिन्यूस चलाएंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट इसको हो चुके हैं भूनते हुए, इसको 2 मिनट हम और भूनेंगे। और बहुत अच्छी ग्रेवी, गाढ़ी एकदम ग्रेवी बनके तैयार हुई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और अब इसमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं। तो अभी हम इसमें ये अपने उबले हुए आलू जो हमने शैलो फ्राई करके रखे थे, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट हम और पकाएंगे, ताकि हमारे सारे आलू मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ढककर 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी सब्जी एकदम से बन चुकी है, दम आलू हमारे बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है और हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकालेंगे सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, ये अब हमारी दम आलू बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निशिंग करेंगे इसकी, और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए ना, हल्की ठंडी, जब थोड़ी गुनगुनी हो, तब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। गरम गरम में अगर हम कभी कभी कसूरी मेथी डालते हैं तो उसका फ्लेवर आ जाता है और वो सब्जी में हल्की कड़वाहट भी कभी कभी आ जाती है, इसलिए हल्की गुनगुनी जब सब्जी हो तब उसमें हम कसूरी मेथी डालें। मेरी ये दम आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।